शुभ प्रभात प्यारे बच्चों आज हम विषय हिंदी व्याकरण पाठ काल के विषय में पढ़ेंगे इस अध्याय में हम काल व काल के भेदों के विषय में जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहले यहाँ कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं जिन्हें मैं पढ़ रही हूँ और आप लोग ध्यान से सुनेंगे रवि दू, ने दूध पिया दूसरा है रवि दूध पी रहा है और तीसरा है रवि दूध पिएगा तो देखिए बच्चों जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं इन वाक्यों में रवि ने रवि के दूध पीने के समय में अंतर है अर्थात जो रवि है पहले वाक्य में पिया शब्द लिखा हुआ है और दूसरे वाक्य में पी रहा है तथा तीसरे में पिएगा इन तीनों वाक्यों में जो समय है वो अलग अलग है अर्थात कैसे देखिए रवि ने दूध पिया पिया जो है वो क्रिया शब्द है तो पिया क्रिया के क्रिया से बीते हुए समय अर्थात भूतकाल का बोध हो रहा है जो पहले वाले वाक्य में पिया शब्द है उससे बीते हुए समय का बोध हो रहा है अर्थात रवि दूध रवि ने दूध पिया कल पिया परसों पिया इस तरीके से समय जो बीत चुका है उस समय का बोध हो रहा है इसी प्रकार दूसरे वाक्य में रवि दूध पी रहा है अब जो पी रहा है क्रिया है इसमें जो पी रहा है क्रिया है उससे वर्तमान समय का बोध हो रहा है अर्थात जो रवि है वो अभी दूध पी रहा है ना उसने पिया ना वो पिएगा अर्थात अभी जो वो दूध पी रहा है यह काम हो रहा है मतलब चल रहा है तो ये क्या है वर्तमान समय का बोध करा रहा है इसी प्रकार तीसरे वाक्य में रवि दूध पिएगा पिएगा जो क्रिया शब्द है इससे आने वाले समय का बोध हो रहा है अर्थात रवि दूध पिएगा थोड़ी देर बाद रवि दूध पिएगा अब वो थोड़ी देर एक घंटे बाद भी हो सकती है आज भी हो सकती है या कल भी हो सकती है ठीक है तो रवि दूध पिएगा जो शब्द है क्रिया शब्द इससे आने वाले समय का बोध हो रहा है इस प्रकार इन तीनों उदाहरणों से हम क्या समझते हैं कि जो काल होता है काल किसे कहते हैं जो काल होती है काल क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे उस कार्य व्यापार का समय का बोध हो अर्थात क्रिया के जिस रूप से होने वाले काम के समय का बोध हो उसे हम काल कहते हैं होने वाले काम के समय अर्थात काम कल हो चुका है या काम अभी हो रहा है वर्तमान में या फिर काम आगे आने वाले समय में होएगा अर्थात भविष्य में तो क्रिया की परिभाषा क्या बनी क्रिया के जिस रूप से सॉरी काल की परिभाषा क्या बनी क्रिया के जिस रूप से होने वाले काम के समय का बोध हो उसे हम काल कहते हैं काल के भेद काल के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं पहला है भूतकाल दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल ठीक है काल के कितने भेद होते हैं तीन भूतकाल वर्तमान काल और भविष्यत काल तो चलिए एक एक करके इन भेदों के विषय में जाने सबसे पहले भूतकाल यहाँ देखिए कुछ उदाहरण लिखे हैं पहले मैं आपको उदाहरण पढ़ के बताऊंगी अर्पिता ने आम खाया मोहन ने किताबें खरीदी अर्थात आम खाने का कार्य तथा किताबें खरीदने का कार्य बीते हुए समय में हुआ है अर्थात उसने आम कल खाया था आज नहीं कल खाया था उसने किताबें एक महीने पहले खरीदी थी तो जो क्रिया शब्द है खाया और खरीदी इनसे बीते हुए समय का बोध हो रहा है तो देखिए क्या परिभाषा बनी क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि काम बीते हुए समय में हुआ है उसे भूतकाल कहते हैं अर्थात भूतकाल क्रिया के बीते हुए समय को बताता है अगला है वर्तमान काल माँ खाना पका रही है हरी पत्र लिख रहा है अब यहाँ जो दो उदाहरण दिए हुए हैं पहले में माँ खाना पका रही है अर्थात क्रिया है खाना पकाने की और दूसरे वाक्य में हरी पत्र लिख रहा है तो कौन सी क्रिया हो रही है लिखने की क्रिया हो रही है तो देखिए पकाने और लिखने का जो कार्य है वो अभी हो रहा है अर्थात वो काम अभी चल रहा है खाना बना नहीं है या बनाएंगी नहीं खाना बन रहा है तो माँ खाना पका रही है यह काम भी चल रहा है और हरि पत्र लिख रहा है यह काम भी क्या हो रहा है अभी हो रहा है अर्थात क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं क्रिया के जिस रूप से काम के होने का पता चले अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है अर्थात काम चल रहा है उसे हम कहते हैं वर्तमान काल अब देखिए भविष्यत काल यहाँ कुछ उदाहरण लिखे हैं आकाश में काले बादल हैं बारिश जरूर होगी तेज आंधी में ये पके फल गिर जाएंगे अब देखिए पहले वाक्य में आकाश में काले बादल तो हैं किंतु बारिश अभी नहीं हो रही है तो यह किसकी ओर इशारा कर रहा है आने वाले समय की ओर को अर्थात काले बादल हैं बारिश ज़रूर होगी बारिश अभी हुई नहीं है हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है लेकिन हम क्या कह रहे हैं बारिश अभी होगी बारिश अभी हुई नहीं है तो मीन्स आगे आने वाले समय को बता रहे हैं कि अभी दिन के दो बजे हैं शाम को चार बजे बारिश होगी ठीक है इस तरीके से ऐसे ही तेज आंधी में ये पके फल गिर जाएंगे अभी आंधी आई नहीं है जब तेज आंधी आएगी तो ये फल अपने आप गिर जाएंगे अभी गिरे नहीं है तो ये किसको अंकित कर रहा है आने वाले समय को तो देखिए परिभाषा क्या बनी क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि काम आगे आने वाले समय में होगा उसे काल कहते हैं तो भविष्य काल की परिभाषा क्या बनी क्रिया की क्रिया का वह रूप जो आगे आने वाले समय को बताता है मीन्स भविष्य को बताता है ठीक है उसे बोलते हैं काल इस प्रकार से हमने क्या पढ़े काल और काल के भेदों के विषय में जाना एक बार हम संक्षेप में देखते हैं कि भूतकाल क्या होता है जो क्रिया का वह रूप जो समय बीत गया उसे बताता है क्रिया का वह रूप जो बीते हुए समय को बताता है भूतकाल तो शॉर्ट में हम कहेंगे जो समय बीत गया वो भूतकाल क्रिया के जिस रूप से हमें यह ज्ञात होता है कि काम अभी चल रहा है अर्थात समय अभी है अर्थात जो समय चल रहा है उसे हम कहेंगे वर्तमान काल और क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय का ज्ञात समय का समय का ज्ञान हो उन्हें हम कहते हैं काल अर्थात जो समय आएगा वह है भविष्यकाल तो जो समय बीत गया भूतकाल जो समय अभी चल रहा है वर्तमान काल और जो समय आगे आएगा उसे हम कहते हैं भविष्यकाल ठीक है उम्मीद है कि आप सभी लोगों को यह काल जो पाठ है यह समझ में आया होगा अब आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए धन्यवाद